मैं डॉक्टर राजपाल गोलिया, गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सुमेर की सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। ये टॉपिक हमारे बीए 5 सेम और पीजी एंशिएंट सोसाइटी के अंदर आता है, 1st सेम के अंदर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेते हैं सामाजिक जीवन के। सामाजिक जीवन को 3 वर्गों के अंदर जो हो बटा हुआ था, तो उसमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। सुमेर का जो प्रथम वर्ग है उसको हम उच्च वर्ग कह लेते हैं। इसमें राजा, पुरोहित और राज्याधिकारी आते हैं। इस वर्ग के जीवन की बात करें तो इसका जीवन जो था बहुत ही वैभवशाली जीवन था, आरामदायक जीवन था, और इनके पास तमाम राजनीतिक शक्तियां इनके पास जो मौजूद थी, और समाज में इनको देवता की भांति जो वो पूजा जाता था। सुमेरियन समाज में राजा के जो सामाजिक दृष्टि से पुरोहित वर्ग का बहुत बड़ा जो वो महत्व था। अब बात करते हैं दूसरा वर्ग, जिसको हम मध्यम वर्ग कहलाता है, जिनकी स्वतंत्र नागरिकों में जो वो गणना होती थी, और जो है इनका जीवन भी अच्छा था। समाज में तीसरा जो वर्ग आता है वो आता है निम्न वर्ग। इन्हें छोटे छोटे कृषकों और दासों को शामिल जो है तीसरे वर्ग के अंदर जो वो किया जाता था। कानून की नजर में सभी समान नहीं थे, और उच्च वर्ग के लोगों की हत्या साधारण नागरिकों की हत्या से और असाधारण नागरिकों की हत्या, तो इन दासों की हत्या अधिक जो वो भयानक मानी जाती थी। तो यानी कि समाज के अंदर कुछ डिफरेंसेस रहे। तो यहाँ आगे इसी में आता है सेकेंडली जो वो परिवार। परिवार किस प्रकार के थे? सुमेर का समाज पितृसत्तात्मक था, और परिवार में पिता का स्थान सर्वोपरि जो वो होता था। वह अपने पुत्रों को घर से बाहर भी निकाल सकता था, यानी कि जो पिता होता था उनको समस्त अधिकार थे अपने बच्चों के संबंध में। वो यहां तक कि वो अपनी पत्नी को बेच भी सकता था, और अपने पुत्र पात्रियों जो है पुत्र और पुत्रियों को देवालय यानी कि मंदिरों के अंदर भी वो छोड़ सकता था। तो इस प्रकार से हम देखें तो समस्त अधिकार जो उनके पास थे। उस समय विवाह की शर्तों को लिखा जाता था। उस समय दहेज प्रथा भी प्रचलित थी, पत्नी को दहेज मिलता था और उस पर पत्नी का ही जो वो अधिकार होता था, जिसमें दहेज के बारे में माता जो वो बाद में अपने जो उनको पुत्रों के अंदर जो वो बांट देती थी। तो यहाँ तक कि परिवार में जो वृद्ध जो माता पिता होता था उसको बहुत सारे अधिकार यहाँ रहे हैं, और उसी का फैसला जो वो अंतिम फैसला माना जाता था। अब हम आगे बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति की, कि सुमेर के अंदर स्त्रियों की स्थिति की क्या थी। प्राचीन सुमेरियन समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। स्वतंत्र रूप से वो कोई भी कार्य कर सकती थी। वो अपने पति की मृत्यु के बाद वो दोबारा विवाह भी जो वो करने का उनको पूर्ण अधिकार था। यहां तक कि कोई स्त्री अगर चरित्रहीन हो तो भी इसको तलाक नहीं दिया जाता था। तो हालांकि वो दूसरे पुरुष से जो विवाह कर लेता था, तो उस समय जो है एक रखेल प्रथा भी जो वो प्रचलित थी। तो विवाह से मिले दहेज पर उसका पूर्ण अधिकार होता था, तो वह अपनी मर्जी से किसी को भी वो अपनी संपत्ति बेच सकती थी, और यहाँ तक कि वे बच्चों व रिश्तेदारों को दे सकती थी। तो इस प्रकार हम यही मानते हैं कि इसमें क्षत्रियों की स्थिति जो वो काफ़ी अच्छी रही थी। क्षत्रियों को काफ़ी अधिकार थे, और जो है अधिक से अधिक जो है यही था कि भाई क्षत्रियाँ संतान उत्पन्न करें, बच्चों की देखभाल करें, और अपना जो है वो घर से ही ज़्यादा अमूमन जो की जाती थी। तो क्षत्रिय नृत्य गान गायन और इन चीज़ों में भी जो वो रुचि रखती थी। इसी में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है रहन सहन और पहनावा। सुमेर में रहन सहन और पहनावा किस प्रकार का था? सुमेर सभ्यता के लोगों का जीवन स्तर जो वो काफी ऊंचा था। उच्च वर्ग के लोग काफी वैभवशाली जो वो जीवन जीते थे।
वे भव्य महलों के अंदर जो है निवास करते थे और भोजन और खाद्य पदार्थों और विलासिलता यहाँ देखने को मिलती है। तो यानी कि वो अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे और अच्छा मनोरंजन भी जो वो करते थे। तो उनका जहाँ तक हम बात करें जनसाधारण लोगों का जीवन शैली वो बहुत ही जो वो सादी थी। उनका भोजन भी बहुत सादा सिंपल था। राजा और बड़े बड़े अधिकारियों के वस्त्र बहुत कीमती होते थे। उच्च वर्ग क्षत्रिय और पुरुष के वस्त्र जो वो भड़कीले पहनते थे। तो इस प्रकार जो है यानी कि जो उच्च वर्ग था उनका हर प्रकार से जीवन या रहन सहन की बात करें वो भी अच्छा था। अच्छे आभूषण जो वो अच्छे कपड़े वो डालते थे। उच्च तो और जो हमारा जो निम्न वर्ग था वो तो बिल्कुल सीमित से कपड़े धारण करते थे और ऊपरी जो है केवल नीचे के वस्त्र पहनते थे। ऊपरी शरीर जो उनका नंगा रहता था। उस समय सूती तथा भेड़ की खाल के वस्त्र भी तैयार किए जाते थे और सुमेर के लोग जो है समाज में लोगों द्वारा सिर पर टोपी और पैरों में चप्पल आदि का जो वो प्रयोग करते थे। तो हम बात करें इसी में सामाजिक जीवन में ही आभूषण और श्रृंगार। सुमेरियन समाज में आभूषण पहनने का शौक क्षत्रिय और पुरुष जो वो दोनों को था। खुदाई में अनेक प्रकार के आभूषण जो है हमें प्राप्त हुए जिसमें नाक कान पैर हाथ गले कमर आदि के जो वो पहने जाते थे। सुमेरियन लोगों के आभूषण सोना चांदी तांबे और बहुमूल्य रत्नों के जो वो बने होते थे। रानी सुबाद की कब्र से हमें एक प्रसाधन पेटिका मिली है यानी कि श्रृंगारदानी। उस श्रृंगारदानी में हमें जो एक्सकेवेशन के दौरान जो प्राप्त हुई है उसकी कब्र से तो उसमें बहुत सारे जो है चीजें जो वो प्राप्त हमें हुई हैं जिसमें ये पता चलता है कि उस समय रानियां किस प्रकार क्या क्या चीजें श्रृंगार में जो वो पहनती थी या श्रृंगार करती थी। तो धीरे धीरे जो है वो स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि वो अपने आप को जो है होठों गालों नाकों भौहों को भी रंगती थी श्रृंगार के लिए। वे बालों को विभिन्न प्रकार से सजाती थी और जो है कुछ पुरुष थे वो दाढ़ी और रखते थे और कई काट भी लेते थे और कुछ मूछे भी जो वो बढ़ाकर रखते थे। तो आमतौर पर जो है ये कहते हैं कि जो सिर के जो बाल हैं वो आमतौर पर मुंडा के रखते थे यानी कि कटवा कर बच्चों रखते थे। इसी में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मनोरंजन की कि सुमेर के समाज में किस प्रकार का लोग जो है मनोरंजन करते थे। जहाँ तक हम बात करें जो है मनोरंजन की तो वो विभिन्न प्रकार के संसाधनों से जो अपना मनोरंजन करते थे। मनोरंजन में खेल कूद संगीत नृत्य उत्सव त्योहार मनोरंजन के प्रमुख त्योहार थे। मंदिरों के अंदर देवदासियां लोगों का जो वो मनोरंजन करती थी। कुछ स्त्रियां वेश्यावृत्ति का भी जो वो मनोरंजन करती थी। बच्चे लकड़ी मिट्टी छोटे छोटे जो खिलौने होते थे उनके साथ बहुत ही इंजॉयपूर्ण जो वो अपना खेल खेलते थे। जहाँ तक आम लोगों के मनोरंजन की एक सामाजिक जो है वो गेम वगैरह करवाते थे। जहाँ आजकल जैसे हमारे गांव में करवा दिए जैसे भाई बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर का दौड़ेगा मटका दौड़ होगी कबड्डी होगी कुश्ती होगी हमारे लोकल जो गेम है तो उनको आज हमारा समाज बड़े चाव के साथ जो देखता है। तो यहाँ भी उस समय जो है बैलगाड़ियाँ मनुष्य जानवरों की आकृति आदि कुछ बैलगाड़ियों की दौड़ आदि ऐसे प्रमुख सामाजिक जो वो लोग जो उसमें मनोरंजन करते थे। कुछ पार्टिसिपेट करते थे कुछ बैठ के इनको जो वो देखने का कार्य करते थे। अब आगे आता है इसी में दास प्रथा। स्लेव सिस्टम कैसा था? सुमेरियन समाज में दास प्रथा भी जोरों पर जो वो प्रचलित थी और दासों को दूसरे देशों के युद्ध बंदी के रूप में लाया जाता था यानी कि हारी हुई सेना जो उनको बंदी बनाकर लाया जाता था और अपने यहाँ लाकर उनको दास बनाने का जो काम किया जाता था। उस समय भयंकर अपराध कर्ज और विवस्था जैसे तथ्य भी दास प्रथा को जो वो बढ़ावा देती थी। दासों के साथ पशुओं जैसे अमानवीय बर्ताव किया जाता था। पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था उनको और दासों की मंडियां लगती थी। तो इस प्रकार जो है दासों का एक नरकीय जीवन जो हम कह सकते हैं। अगर कोई दास भागने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ही अमानवीय यातनाएं दी जाती थी और उसको बड़े जो वो पीटा जाता था। तो
किसी भी प्रकार जो है उन्हें दास जो भी था कोई व्यापार आदि करने की छूट थी। यदि किसी दास का विवाह स्वतंत्र क्षत्रिय से होता तो उसकी जो संतान उत्पत्ति होती वो स्वतंत्र जो वो मानी जाती थी। तो यहां बताते हैं जो दासों की खरीद फरोख की जाती थी सुमेर के अंदर, एक दास की कीमत 20 सेकिल थी, यानी कि शेकिल कोई करेंसी थी उस समय इस प्रकार की। तो ये मानते हैं कि एक दास की कीमत एक गधे से भी जो वो कम थी। तो यहां देखो दासों की जहां तक बात करें तो वो बहुत ही नरकीय जीवन है, इंसान होते हुए भी एक पशुओं से भी बदतर जो जीवन जीते थे वो दास जीते थे। तो इस प्रकार एक जो है मैं ये कहूंगा कि पृथ्वी के ऊपर जो वो एक बहुत ही बुरा बर्ताव एक मानव जाति के साथ जो वो किया जाता था। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए बच्चों अब बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ यानी कि आर्थिक जीवन की। सुमेर में जो है वो किस प्रकार की जो उनका आर्थिक जीवन था, इसी संदर्भ में हम सबसे पहले लेते हैं एग्रीकल्चर कृषि। सुमेर में जो है लोगों का मुख्य व्यवसाय था जो वो कृषि था। यहाँ की अर्थव्यवस्था जो मूल कृषि के ऊपर ही जो वो आधारित थी। यहाँ हेनरी लुकस इसे एक हल क्रांति, एक हल प्रधान संस्कृति जो वो कहते हैं। 4000 ईसा पूर्व के लगभग सुमेरियन लोगों ने फारस की खाड़ी के उत्तर में जो दलदल है उनको सुखाने का कार्य किया है और उन दलदलों को सुखाकर उनको कृषि योग्य जो वो बनाने का कार्य किया है। दजला और फरात नदियों में बहुत ज्यादा जो वो बाढ़ आती थी और इन बाढ़ जो है बाढ़ को रोकने के लिए इन्होंने बड़े बड़े बांध बनाए। इन बांधों से जो है वो बहुत बड़े बेनिफिट हुए। एक तो कृषि के लिए पर्याप्त पानी मिलता था, अपने साथ उपजाऊ मिट्टी मैदानों का भी जो नदियों ने निर्माण किया। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो है यहाँ सुमेरियन जो है लोगों ने जो है नहरों का भी निर्माण किया और कृषि को जो हो बढ़ावा देने का भी जो हो कार्य किया है। फसलों में बाढ़ के पानी से डूबने के लिए बचाने के लिए वो जो है पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई और नई नहरें भी जो उन्होंने बनवाई। तो धीरे धीरे जो है यहाँ जल जो है बड़े बड़े गड्ढे बनाकर एकत्रित भी किया जाता। वो किस लिए एकत्रित करते थे, ताकि हम समय बरसात के बाद या कुछ समय के बाद अपनी फसलों के अंदर उनका पानी भी दे सकते हैं, खेतों के अंदर जो पानी पहुँचाया जाता था। तो इसी में जो है दजला और फरात नदियाँ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती थी, वो कृषि के अंदर जो बहुत बड़ा जो वो कार्य यानी कि फसल को बढ़ावा मिलता था, उससे फसल जो वो अच्छी होती थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गेहूं की खेती सर्वप्रथम सुमेर में ही हुई। इतिहासकार डेविड ने कहा है कि सर्वप्रथम सुमेर के अंदर जो है वो गेहूं की खेती के प्रमाण जो हमें प्राप्त हुए हैं। खेती में जो वो हल और बैलों की सहायता से जो वो की जाती थी और सुमेरवासी फसलों को काटने के लिए धातु की हाशियों व फावड़ों का जो वो प्रयोग करते थे। अन्न उत्पादन का काम मुख्य गांव में होता था और नगर निवासी इसे भिन्न भिन्न विधियों से प्राप्त करते थे और वैसे भी गांव में अनाज नगरों में जो वो बेचा जाता था। तो अब गांव के अंदर जो आवश्यक वस्तुएं थी वो भी जो वो गांव में पहुंच जाती थी शहरों के बदले। नगर शासक के गांव में कर के रूप में अनाज वसूल करते थे। यहाँ बताते हैं जो अनाज जो पे ऊपर टैक्स था 1/6 भाग भी था और 1/3 भाग था। ये समय समय के अकॉर्डिंग ये चेंजेबल जो वो रहा होगा। ये बताते हैं कि सर्वप्रथम विद्वान बताते हैं कि विश्व का प्रथम कृषि प्रचांग वो भी सुमेर में ही जो वो बनाया था। तो इस पंचांग में क्या है यानी कि किसान का कैलेंडर, इसमें क्या है कि कब किस समय पे कौन सी फसल बोनी है, उसमें साल का पूरा ब्यौरा था कि साल के इस समय में यहाँ ये फसलें बोनी है। तो हम विद्वान या इनके ये मानते हैं कि वो कृषि को काफी जो इंटरेस्ट लेते थे, कृषि को बढ़ावा देने का भी जो कार्य करते थे। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं पशुपालन।
सुमेरियन लोगों का दूसरा जो मुख्य जो है व्यवसाय था वो था पशुपालन। पशुपालन एक राष्ट्रीय, तो उस समय जो है पशुपालन राष्ट्रीय आय का स्रोत के रूप में जो वो माना जाता था। पशु में भेड़ बकरी सुअर बैल गाय गधे आदि पशु जो वो पाले जाते थे। पशुओं में गाय का बहुत ज्यादा जो है यह महत्व था। सुमेर के लोगों का विचार था गाय पशु जगत की देवी जो वो होती है, तो यहाँ यानी कि गाय का बहुत ही मान सम्मान जो वो किया जाता था। तो मंदिर जो होते थे उनके पास भी जो अपने पशु धन होता था। इसके निवास के लिए जो है पशुशालाएं तथा चरने के लिए चारा गृह होते थे। तो देखो पशुओं का कितना मान सम्मान, यानी कि राष्ट्रीय आय के रूप में प्रयोग किया गया है पशुओं के लिए, जो वो बड़ा ही सम्मानजनक जो शब्दों का जो है प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब ये जो सभ्यता थी इसकी अर्थव्यवस्था की मुख्य जो रीढ़ थी वो पशुपालन था। अब जहां तक हम बात करें पशुओं से, एग्री खेती में भी जो पशु मदद करते थे, बैल के जो हल जोतने का वो मदद करते थे। दूसरा, पशुओं से मांस की प्राप्ति भी होती थी, खाने में भी जो पशुओं का योगदान रहा होगा वो था। और जो है पशुओं से जो है कुछ कपड़े चमड़ा वगैरह भी निकलता था। पशुओं से हमें दूध घी की भी जो वो प्राप्ति होती थी। तो यहाँ बात की गई है तो पशुओं के बहुत सारे जो वो सुमेर के लोगों को जो है एक बेनिफिट थे। लेकिन यहाँ घोड़ा का नाम नहीं आया। शायद हम ये मानते हैं कि सुमेर के लोग जो घोड़े से जो परिचित नहीं थे। अब इसके आगे आर्थिक जीवन में ही आगे बढ़ते हैं। आगे आता है उद्योग क्या थे उस समय सुमेर के अंदर। सुमेर के लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए थे। मंदिरों में काफी संख्या में बढ़ई, लोहार, सुनार, चरमकार और जुलाहे आदि जो वो निवास करते थे। जो आवश्यक वस्तुएं जैसे बर्तन, औजार, वस्त्र आदि तैयार करते थे। सुमेर के लोग विभिन्न प्रकार के धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांस्य से जो ये परिचित थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि सुमेर के लोग पशुओं के उत्पादन के लिए भी जो है देश से कच्चा जो वो माल का प्रयोग नहीं करते थे। तो सुमेर के लोग वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी देश में कच्चे माल का ही जो वो प्रयोग नहीं करते, बल्कि दूसरे देशों से भी कच्चा माल जो वो आयात करते थे। वे धातुओं से आभूषण जैसे सोने के टोप, अंगूठी, हार, कंगन और कांस्य के हथियार और तांबे से बर्तन भी भारी मात्रा में जो वो बनाते थे। इसके अतिरिक्त सुमेर में रथ तथा लकड़ी के पहिए का निर्माण भी जो वो जोर शोर पर जो वो किया जाता था। उस समय चार पहिए के रथ जो वो बनाए जाते थे। सुमेर में नाव तथा प्रतिदिन प्रयोग होने वाली वस्तुएं भी जो वो बनाई जाती थी। सुमेर का दूसरा जो प्रमुख वस्त्र उद्योग था, वस्त्र यहाँ काफी मात्रा में जो वो बनाए जाते थे। उस समय वस्त्र सूती, ऊनी तथा पशुओं की खालों के बनाए जाते थे। सुमेर में के खेतों में रेशे वाली फसलें जो वो बोई जाती थी। रुई से सूत काट कर कपड़ा जो वो तैयार किया जाता था। तो सुमेर के विभिन्न नगरों में बड़ी संख्या में घाघरा, स्कर्ट, तहमत आदि जो वो बनाए जाते थे। तो जो ये कपड़ा रंगने की जो परंपरा है, ये प्रथा भी जो है सुमेर के अंदर जो वो चली हुई थी। और इसके अतिरिक्त जो है मिट्टी के बर्तन, पत्थर, लकड़ी, हाथी दांत की वस्तुएं, ईंटें, मंदिर तथा महलों का निर्माण तथा लकड़ी का फर्नीचर आदि का भी जो उद्योग उस समय प्रचलित था। वे रोटी बनाते, शराब बनाने के कार्य भी जो वो करते थे। बात करें इसी में आर्थिक में व्यापार तथा वाणिज्य। सुमेरी सभ्यता में जो व्यापार और वाणिज्य जोरों पर जो वो प्रचलित था। तो यहाँ दोनों प्रकार के जो व्यापार प्रचलित थे, आंतरिक व्यापार और जो वो बाह्य व्यापार प्रचलित थे। तो व्यापार थल मार्ग में गधों, ऊंटों की सहायता से किया जाता था और जल मार्ग से जो वो नाव के द्वारा किया जाता था। सुमेर के लोग नदियों के मार्ग के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वो पहुंचाते थे। वे सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी आदि का विदेशों से जो वो आयात करते थे। उस समय कपड़ा, विलासिता का सामान जो वो अनाज, खजूर आदि जो वो विदेशों में को जो वो भेजे जाते थे।
सुमेर के टर्की, सीरिया, मिस्र, फारस तथा व्यापार के अच्छे व्यापारिक जो वो संबंध इनके साथ थे, यानी कि इन देशों के साथ वो व्यापार आयात निर्यात जो वो किए करते थे। भारत के साथ भी सुमेर के जो व्यापारिक जो वो संबंध थे। उस समय बात करें हम वस्तु विनियम, जो ये व्यापार किया जाता था वो वस्तु विनियम के माध्यम से किया जाता था, यानी कि एक वस्तु दे दी जाती उसके बदले में दूसरी वस्तु ही दे दी जाती थी। हमें जो है प्राप्त स्रोतों से पता चला कि वहां चांदी के सिक्कों का एक पौंड का 16वां भाग जो वो व्यापारियों के कुछ हिसाब किताब में भी ऐसा पता चलता है। सुमेर में अगर हम ब्याज की बात करें तो ऋण देने की प्रथा भी प्रचलित थी। सामान लेने और देते समय बिल तथा रसीदों का भी जो हो कुछ रिटर्न किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ब्याज की जो हो 20% से 33% ब्याज जो वो लिया जाता था सुमेर में। तो बैंकिंग प्रणाली का सुमेर के विकास जो वो उस समय हो चुका था। तो इस प्रकार सुमेर के लोगों का आर्थिक जीवन बहुत ही विकसित स्थिति में था। सुमेर बाजार भी होते थे, मंदिरों के पास लगाए जाते थे और इसमें खूब जो है वो भीड़ भाड़ जो वो होती रही। इसी के आगे हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की। सुमेर के लोगों का धर्म में बहुत जो वो विश्वास था। धार्मिक भावना के विकास का कारण भय, कल्पना, विश्वास था। जिन वस्तुओं से वो डरते थे उन्हें देवी रूप स्वरूप जो वो प्रदान करते थे। कि मान लिया किसी देवता से डरते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे, किसी न किसी महामारी के प्रकोप से या भाई कोई ऐसी जो है दृश्य पावर से हमें देवता जो वो बचाते थे। तो उन्होंने कल्पना की थी आर में दो देवता जो परस्पर इकट्ठे थे, उनमें एक पृथ्वी और आकाश जिसे अनु भी कहा जाता था। बाद में जो हुए अलग, इस बीच फिर जो है वायु, चंद्रमा, समुन्द्र इत्यादि देवता जो वो आ गए। यहां तक कि प्रत्येक नगर व जाति की अलग देवी देवता जो वो बनते चले गए। तो यहां धार्मिक जीवन के हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं सबसे पहले देवताओं की पूजा, कि यह देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। अब देवी देवताओं की पूजा क्यों की जाती थी? सुमेर के लोगों का ये मानना था अगर हम देवी देवताओं की उपासना करेंगे तो उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर जो वो रहेगी, हमारे ऊपर कोई भी संकट आएगा तो हमारे देवी देवता उस संकट में जो वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ भी जो है वो कुछ प्रमुख जो उस समय के जो देवता रहे हैं, तो उस समय निवासियों की कल्पना नमु देवी से की जाती थी जिसमें पृथ्वी, आकाश तथा पर्वतों की रचना की। यानी कि ये जो नमु देवी है इन्होंने इन जिसमें पृथ्वी, आकाश और पर्वतों की जो रचना इस देवी ने जो वो की है। तो इस प्रकार उस देवी की जो ये उपासना की जाती थी। तो सुमेर के निवासी भी भारतीयों की तरह प्राकृतिक देवी देवताओं की भी जो वो पूजा करते थे जिसमें चंद्रमा, सूर्य, वायु, जल आदि की जो वो पूजा करते थे। सूर्य को शमशम और चंद्रमा को सिंह देवता के रूप में जो वो मानते थे। तो इस प्रकार जो है सुमेर के निवासियों का बहुत ज्यादा जो है देवी देवताओं के अंदर विश्वास था। और 3000 ईसा में आकाश के देवता अनु का प्रभाव कम हो गया था। तो धीरे धीरे हम बात करें जो सुमेर की जो प्रमुख देवी देवी यानी कि पृथ्वी थी, तो इनको जल देवी भी जो वो मानते थे। तो इस प्रकार वो कोई भी समारोह हो, विवाह हो, सुख हो, दुख हो, अपने देवी देवताओं को जो वो प्रसन्न करते थे, याद करते थे, तो उनको जो है कुछ चढ़ावा देते थे, जैसे अनाज है, वस्त्र है, फल है, आभूषण आदि जो वो उनको देवी देवताओं को भेंट करते थे। इसी के आगे हम धार्मिक जीवन में आगे बढ़ते मंदिर तथा पुजारी वर्ग। सुमेर में जो है राजाओं ने देवी देवताओं की उपासना के लिए अनेक प्रकार के जो है मंदिरों का जो निर्माण करवाया। बेबीलोन के विभिन्न नगरों में 53 से अधिक मंदिर जो वो थे। निपुर नगर में एलिन तथा लगश नगर में शमशम देवता के जो ये प्रमुख मंदिर उस समय रहे हैं। उस समय मंदिर को जिगुरात भी कहा गया। सुमेर के अंदर मंदिर ऊंचे मीनार की शक्ल में बनाए जाते थे।
जो दो या तीन मंजिल के ऊंचे होते थे और मंदिरों की मीनारें मीलों से दूर से दिखाई देती थी। यानी कि मंदिर क्या था, हमें दूर से उसकी जो दिखाई देती थी कोई बहुत बड़ा जो मंदिर था। मंदिर ऊंचे मीनार की शक्ल के अंदर जो वो बनाए जाते थे, जो दो से तीन मंजिल जो वो ऊंचे होते थे। मंदिरों को जो है में जो है प्रत्येक मंदिर में जिगुरात में खाने पीने की वस्तुएं क्षित्री दास और भूमि आदि उपलब्ध होती थी। यानी कि जिगुरात जो मंदिर के रूप में जो शब्द प्रयोग किया गया, इसमें जो है क्षित्री भी होती थी, दास भी होते थे और भूमि काफी उपलब्ध होती थी। क्योंकि सुमेर निवासियों का विचार था कि जिस प्रकार मनुष्य को भोजन और सामान की आवश्यकता, सामान तथा क्षित्री की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार देवी देवताओं को भी जो हो क्षित्रियों की जो आवश्यकता होती है। तो जो मंदिर का जो प्रशासक के रूप में हम बात करते हैं वो था पुजारी वर्ग। तो पुजारियों को बहुत ही मान और सम्मान की दृष्टि से जो हो देखा जाता था। राजा के पश्चात हम बात करें दूसरे स्थान पर जो पुजारियों को गिना जाता था। तो देखो कितनी बड़ी ताकत थी पुजारी। प्राचीन काल में पुजारी बहुत ही जो हो वो वैभवशाली जीवन जीते थे और उनके पास धन संपदा भी ज्यादा इकट्ठी हो गई थी। उनके बड़ी मात्रा में भोजन धन आदि चढ़ावा आमतौर पर आता था। तो इस चढ़ावे से पुरोहित समाज धनी और प्रतिष्ठित वर्ग जो यहाँ बन गया था। इसी कारण जो है धीरे धीरे जो इनकी कुछ शासकों ने इनकी आमदनी के ऊपर जो प्रतिबंध भी लगाया और बंद भी करवाया। लेकिन फिर भी जो पुजारी वर्ग था भोली भाली जनता को जो वो उसमें गुमराह करके और वो लूटते रहते थे। धीरे धीरे ऐसे लोगों को फिर कुछ शासकों ने दरबार से निकाल दिया, कानून बनाकर उन पर अंकुश लगा दिए गए। तो लेकिन ऐसे शासकों की मृत्यु के बाद फिर भी जो पुजारी वर्ग था वो अपने पैसे इकट्ठे जो वो किए, उनका आराम पूर्वक जो वो जीवन हो गया। अब हम बात करते हैं धार्मिक इसी में मृतक संस्कार किस प्रकार के थे। उसमें सुमेर के लोग विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों में जो वो विश्वास रखते थे। मंदिरों में पशुओं की बलियां दी जाती थी तथा अनेक प्रकार के जो हो चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। तो लोगों का विश्वास था कि किसी भी तरह की बीमारियों तथा प्रलय आदि आने का मुख्य कारण देवताओं की नाराजगी है। तो देवताओं की नाराजगी जो हो मौत का कारण मानते थे। तो इन देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता था, भाई आडंबरों का जो है भी जो वो करते थे, जादू टोने का भी प्रयोग जो वो करते थे। उसकी मृत्यु के बाद जो है सुमेर में पुनर्जन्म में बहुत ज्यादा विश्वास था कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे अपने मृतकों की चटाइयों में लपेटकर घरों के प्रांगण में अथवा कमरे के अंदर ही जो उनको दफनाते थे। कभी कभी वे मृतक की चकोर कब्र में लिटाकर दफनाने का जो वो कार्य करते थे। फिर भी उन्हें ऊपर उन कच्ची ईंटों की समाधि बना देते थे और विभिन्न स्थानों की खुदाई से प्राप्त कब्रों में सोने चांदी के आभूषण, ताम्र पात्र, अस्त्र शस्त्र आदि जो वो मिले। तो ये जो खुदाइयों से जो हमें सामान मिलता तो ये बताता है कि उस समय किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, किस प्रकार का जो वो उनके साथ जो वो विश्वास था, इन चीजों को सिद्ध जो वो करता है। शवों के साथ ये जो है आभूषण बर्तन आदि भी रखते थे। बुली नामक विद्वान के अनुसार राजा मरने के बाद उसके साथ जब राजा मरता था तो उसकी कब्र के साथ जो है वो अस्त्र शस्त्र आभूषण, रानियां, सेवक और दासियां, यहां तक कि है बैलों को भी दफना दिया जाता था। इनको दफनाने की कैसी क्या थी, तो इनको क्या है बेहोश किया जाता था और बेहोश करके और इनको जो वो जिंदा ही दफना दिया जाता था। तो इस प्रकार जो है जहां रानी सुभाग की कब्र के साथ दफनाए गए 74 लोगों के शव मिले। जब रानी जो मृत उनके साथ 74 जो है ये सेविकाएं जो उनकी रही थी। तो धीरे धीरे जो है अनेक प्रकार की जो है यहाँ उनके मृतक जब मरते थे उनके साथ उनकी सोच थी, विचारधारा थी और धार्मिक जीवन में जो है यहाँ हम बात करते होंगे। तो इसी संदर्भ में हम इसके आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें सांस्कृतिक जीवन जो है वो सुमेर में किस प्रकार का था। तो
सुमेर में शिक्षा साहित्य कला विज्ञान का बहुत विकास हुआ। तो शिक्षा सबसे पहले इसी संदर्भ में लेते हैं हम शिक्षा और साहित्य। प्राचीन काल में सुमेर निवासियों ने लिपि, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान तथा कला का भी बहुत विकास किया। सुमेर के मंदिरों के पास भूमि बहुत थी, बड़ी संख्या में पशु, क्षत्रियां, दास आदि जो होते थे। मंदिरों के पुजारी द्वारा इन सब की संख्या लिखना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि इनकी संख्या को याद रखना काफी जो मुश्किल था। तो ये बताते हैं कुछ मिट्टी की पट्टिकाएं थी, तो उनके ऊपर जो है रेखाएं खींचकर गिनती करते थे, यानी कि मिट्टी की जो पेटिकाएं थी उनके ऊपर ऐसे ऐसे जो वो धारी लगा के खींचते थे और उनकी काउंटिंग जो वो की जाती थी। तो इस प्रकार जो है शिक्षा और साहित्य का जो वो काफी जो वो विकास हुआ। अपने टॉपिक का जो है समापन करता हूं, आज की कड़ी में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।